हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को डिस्कस कर रहे थे और हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बेसिक्स हमने सीखे थे कि किस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है इत्यादि आता है और वहाँ पर हमें एक काम का जारी रहना हमें दिखाई पड़ता है। और उसके बाद फिर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और भी यूज़ देखा था कि किस तरह से हम अपनी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो काम एट द मोमेंट चल रहा हो तभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, हमने इसको भी देखा था। और फिर उसके बाद हमने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी देखी थी जहाँ पर हमने एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के बीच का जो फ़र्क है उसको भी समझने की कोशिश करी थी। ठीक है, आज हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इसका जो लेवल होगा वो बहुत ही बेसिक होगा। ठीक है, बेसिक का मतलब ये हुआ कि जैसे हम निगेटिव बनाना सीखेंगे तो हम सिर्फ नॉट की मदद से निगेटिव बनाना सीखेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं या नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो निगेटिव में आप नॉट का भी प्रयोग करते हैं, नो का भी प्रयोग करते हैं, नेवर का भी प्रयोग करते हैं और भी बहुत सारे निगेटिव वर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से आप सेंटेंसेस को निगेटिव बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमारा जो एक लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अभी लो है ओवरऑल स्टडीज़ का, तो जैसे जैसे वो लेवल हम लोगों का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम और ज़्यादा एडवांस स्टडी करते जाएंगे। तो अभी यहाँ पर जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर निगेटिव देखेंगे वो उसका लेवल बेसिक होगा और वहाँ पर हम सिर्फ नॉट की मदद से निगेटिव बनाना सीखेंगे। यही हम इंट्रोगेटिव के समय भी करेंगे कि इंट्रोगेटिव भी बहुत ही बेसिक इंट्रोगेटिव हम सीखेंगे, यानी कि सिर्फ हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख करके जो इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। ठीक है ना, तो सिर्फ इस तरह के हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हु, व्हाट, विच, इस तरह के शब्दों से जो इंट्रोगेटिव बनते हैं जिनको बेसिकली WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव वर्ड्स से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के तौर पर देखा जाता है उनको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई इंट्रोगेटिव बता दिया और ये हु, व्हाट, विच वाले इंट्रोगेटिव तो बताए नहीं। पूरा एक डेडिकेटेड हम सेशन रखेंगे जिसमें कई सारी क्लासेस मैं डिलीवर करूंगा और मैं आपको एक एक वर्ड उठा करके कि हु को कैसे इस्तेमाल करते हैं, व्हाट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, विच को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक एक वर्ड के ऊपर मैं आपको डिफरेंट सेपरेट क्लासेस डिलीवर करूंगा, तो हैव पेशेंस। तो काफ़ी सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को और नेगेटिव सेंटेंसेस को करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन आप लोगों के दिमाग में बाकी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से हम देखते हैं, यहाँ पर हम असर्टिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि जिसमें कोई बात कही जाती है, और ये असर्टिव सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं, अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, ध्यान से देखिए, अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है यानी कि अफर्मेटिव, या ऐसे सेंटेंसेस भी असर्टिव हो सकते हैं जिनके अंदर नहीं का प्रयोग किया जा रहा है यानी कि निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो बहुत ही बेसिक से प्रिंसिपल्स हैं जो ऑलरेडी हम लोगों को पता है। असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात होती है तो स्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम क्लियर है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के समय भी हमने देखा था। ठीक है, जैसे जैसे टेंस चेंज होगा तो इस वर्ब के रूप में परिवर्तन आता जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने जब किया था तो वहां पर वर्ब के साथ एस या ईएस लगा रहे थे, और अब जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं तो भी स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि टेंस चेंज हो गया, जिस टाइम को हम रिफर कर रहे थे या जिस टाइम को हम बताना चाहते हैं वो टाइम चेंज हो रहा है, तो हम वर्ब के रूप में परिवर्तन करेंगे। वर्ब का रूप किस तरह से परिवर्तित हो गया कि यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इज एम आर आएगा और साथ में वर्ब ऑफ एक्शन के साथ आई एन जी जुड़ेगा। ठीक है, तो आपको जब भी असर्टिव सेंटेंसेस की बात हो और असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव की बात हो तो आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही स्ट्रक्चर लगाना है। हाँ, वर्ब के रूप में जो परिवर्तन हो रहा है वो आपको
टेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको ध्यान रखना है। तो एस वी ओ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल ना भूलिएगा। वर्ब में क्या होगा, वर्ब में बेसिकली दो वर्ब्स होंगे यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। एक वर्ब होगा ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, यानी कि इज एम आर में से कोई एक सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब ऑफ एक्शन के अंदर हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, अब इसी को अगर नेगेटिव बनाना हो तो हमें क्या करना होगा, आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी मैंने आपको यह चीज बताई थी कि नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमें क्या रख देना होता है, नॉट रख देना होता है। ठीक है जी, ये पता है ना आपको, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमें नॉट पुट कर देना होता, और उसके बाद जो वर्ब ऑफ एक्शन है वो अपने आप आ जाता है। ठीक है जी, और वर्ब ऑफ एक्शन में यहां पर आईएनजी लग रहा है तो वो आईएनजी आ जाएगा। यही काम हमने यहां पर भी किया है, नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, देख रहे हैं आप, ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमने क्या कर दिया, नॉट पुट कर दिया। तो कोई भी रूल जो है वो चेंज नहीं हो रहा। आगे हम और एडवांस निगेटिव्स पढ़ेंगे और एडवांस इंट्रोगेटिव्स पढ़ेंगे, तो वहां पर भी सेम प्रिंसिपल्स क्या होंगे, फॉलो होंगे। नॉट की मदद से नेगेटिव बनाने के लिए नॉट को हम कहां पे रखते हैं, पहले ऑक्सिलरी वर्ब के बाद रखते हैं। ठीक है, तो हमने रख दिया यहां पर नॉट, इज एम आर के बाद नॉट आ जाएगा, और वर्ब ऑफ एक्शन के साथ हम क्या लगा देंगे, आई एन जी, जैसे कि लगा रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और आगे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर अगर अफर्मेटिव बनाना है, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना है, और ऐसे प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना है जिसके अंदर नहीं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो क्या करना है, हमें ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट से पहले रख देना है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब को। तो इसमें तो सिर्फ एक ही ऑक्सिलरी वर्ब होगा, या तो इज होगा, या एम होगा, या आर होगा। तो जो भी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है उसको हमें क्या कर देना है, सब्जेक्ट से पहले रख देना है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं, आप इस बात को ध्यान रखिए, हमने क्या किया, ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके क्या रख दिया, सब्जेक्ट से पहले रख दिया। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ एक्शन में आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा अगर होगा तो। ठीक है, और इस तरह से आगे जो और इंफॉर्मेशन होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। तो ये इंट्रोगेटिव के अंदर अफर्मेटिव होंगे। ठीक है, और इंट्रोगेटिव भी बनाना है और निगेटिव भी बनाना है, तो इंट्रोगेटिव का जो प्रिंसिपल है वो हमेशा याद रखिएगा कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब को हमने उठा करके सब्जेक्ट से पहले रख दिया, जैसे कि हमने यहां पर किया, हमने सब्जेक्ट से पहले रख दिया, जैसे कि हमने पिछले इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में भी देखा था। और बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। ठीक है जी, आप देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ एक्शन में आई एन जी आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट। इसको ध्यान से देखने की कोशिश करिए, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, अच्छी तरह से इसे ऑब्जर्व करिए। आप एक बार इसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लिए, मैं आपको कुछ सेकेंड्स दे रहा हूं, और उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, और सेंटेंसेस कहां से लाना है, बहुत इजी है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप क्या करिए, अपने साथ एक टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो पेपर अपने साथ रखिए, और उस पेपर से आप आइडियाज लाइए। ठीक है, स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, स्पोर्ट्स पेज ओपन कर लिए, वहां से आप आइडियाज ले आइए। आप मूवीज को फॉलो करते हैं, मूवीज से आप आइडियाज लेकर के आइए। पॉलिटिक्स को आप फॉलो करते हैं, पॉलिटिक्स से आइडिया लेकर के आइए। लुक अराउंड योरसेल्फ, अपनी फैमिली मेंबर्स के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर, अपने कोलीग्स के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने बिजनेस पार्टीज के ऊपर। ठीक है जी, लुक अराउंड योरसेल्फ, और वहां से सेंटेंस लेकर के आइए। सेंटेंस वो पुराने घिसे पिटे सेंटेंसेस नहीं होना चाहिए, सेंटेंसेस आपकी आसपास की चारों तरफ की लाइफ से ही निकल करके आने चाहिए। ठीक है, तो हम भी यही करेंगे। हम टाइम्स ऑफ इंडिया को मैंने अपने पास रखा हुआ है, और यकीन मानिए वहीं से ही मैं सेंटेंसेस आपको बोलूंगा। ठीक है, तो इतनी देर में मेरे ख्याल से आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या करना है, बहुत ईजी है इसको रूल्स को समझना। फिर से एक बार बता दूं क्या करना है, असर्टिव में तो एस वी ओ का ही एक सिस्टम चलेगा, बस यहां पर क्या हो रहा है, वी में दो वर्ब आ रहे हैं, एक तो सहायक क्रिया आ रही है इज एम आर, और प्लस क्या आ रहा है, वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म आ रही है। ठीक है, और निगेटिव बनाना है अगर इसको, तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या रख देना है, बस आपको नॉट रख देना, ये आपका निगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज एम आर को उठा करके सब्जेक्ट से पहले रख देना है, आपको इसको उठा करके सब्जेक्ट से पहले रख देना है। ठीक है, और अगर इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव बनाना है तो इज एम आर को उठा करके आपने सब्जेक्ट से पहले रख दिया, और सब्जेक्ट के बाद आप क्या रख देंगे, नॉट रख देंगे। थोड़ा सा मुश्किल है शुरुआत में, लेकिन व्हेन यू प्रैक्टिस अ लॉट, व्हेन यू कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
आई कैन एश्योर यू कि आपकी जो इंग्लिश है वो डेफिनेटली आप इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही है या इंप्रूव होता हुआ नहीं देख पा रहे तो सिर्फ उसकी एक और एक वजह होगी, वो एक वजह सिर्फ ये होगी कि यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ, यू आर नॉट पुटिंग डिजायरेबल लेवल ऑफ एफर्ट्स, ठीक है जी। तो चलिए जल्दी से हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, चलिए जल्दी से हम न्यूज़पेपर ओपन करते हैं और वहाँ से कुछ आइडियाज़ निकालते हैं, उन आइडियाज़ के बेसिस पर ही हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों की ये एक परेशानी रहती है, जबकि ये इतनी बड़ी परेशानी है नहीं कि भाई सेंटेंस कैसे बनाएं, हम कैसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। तो देखिए मैं कैसे बनाता हूँ, ये मेरा अपना एक तरीका है, आपका डिफरेंट सिस्टम हो सकता है। मैंने पेज ओपन किया और पेज पे मुझे एक ऐड दिखाई पड़ा, वहाँ पर ऐड में मुझे दिखाई पड़ता है कि कोई लेडी है जो कि किचन में खड़ी हुई, मुझे अपना आइडिया मिल गया। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ She is cooking food, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया और मैंने क्या बोला, She is cooking food, क्या कर रही है वो खाना पका रही है, ठीक है। तो आप देखिएगा क्या हमने स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के साथ इज आ गया और वर्ब के साथ आई एन जी लग गया और प्लस ऑब्जेक्ट आ गया अगर है तो, ठीक है, हमारा एक असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। इसी से अगर हम क्या करना चाहें, नेगेटिव बनाना चाहें, तो बड़ा आसान है, हमें क्या करना होगा, हमें इज एम आर में से जो भी हम ऑक्सिलरी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको उठा करके सब्जेक्ट से पहले रख देना, बहुत आसान है। इज था इसको पहले रख दिया, इज शी कुकिंग फूड, क्या ये जो पिक्चर में जो लेडी दिखाई दे रही थी क्या वो खाना बना रही है, ये सेंटेंस बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनाना नहीं, कोई बंदा कहे क्या वो खाना नहीं बना रही है तो कैसे करेंगे, इज इसके बाद सब्जेक्ट आ गया इज शी और शी के तुरंत बाद हम नॉट रख देंगे, इज शी नॉट कुकिंग फूड। तो ये मेरा क्या बन गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आपको इस तरह से क्या करना है, प्रैक्टिस करना। चलिए एक और आइडिया हम जल्दी से निकालते हैं, हम देखते हैं कि और कौन कौन से सेंटेंसेस हम लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए मुझे मेरा आइडिया मिल गया, ऑलराइट। यहाँ पर देखिए एक न्यू भी है, क्योंकि आजकल जब मैं अभी आपको ये क्लास डिलीवर कर रहा हूँ तो दुर्गा पूजा का सीजन चल रहा है और दुर्गा पूजा के ऊपर ही एक पीस ऑफ न्यूज़ एक आर्टिकल दिया हुआ है, तो मुझे मेरा आइडिया मिल गया। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, पीपुल, उसके बाद मैंने क्या लगाया, ये सब्जेक्ट पीपुल है, तो अगर मैं बोलूँ कि लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौन सेलिब्रेट कर रहा है, लोग, तो लोग सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया वो क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये वर्ब हो गया। तो पीपुल के साथ ऑक्सिलरी क्या आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो क्या आएगा, आर आएगा, पीपुल आर ऑक्सिलरी आ गया और यहाँ पर वर्ब ऑफ एक्शन क्या है, सेलिब्रेट करना, और यहाँ पर आई एन जी लग जाएगा, सेलिब्रेटिंग, पीपुल आर सेलिब्रेटिंग दुर्गा पूजा, ठीक है, पीपुल आर सेलिब्रेटिंग दुर्गा पूजा, राइट। यहाँ पे दुर्गा पूजा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया इसका, ग्रेट। और देख लेते हैं इसको, हम पुराने वाले सेंटेंसेस को हटा देते हैं और चलिए अब इसी का ही अगर हम निगेटिव बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पीपुल आर के बाद क्या लगा देंगे, हम नॉट लगा देंगे, पीपुल आर नॉट सेलिब्रेटिंग दुर्गा पूजा, ठीक है जी। इसी से ही इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या कर देंगे, हम आर को हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, आर पीपुल सेलिब्रेटिंग दुर्गा पूजा, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ये इंट्रोगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनाना है, क्या लोग दुर्गा पूजा नहीं मना रहे हैं, ठीक है, नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आर ऑक्सिलरी सब्जेक्ट से पहले आ गया, आर पीपुल, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या रख देंगे, हम नॉट रख देंगे, आर पीपुल नॉट सेलिब्रेटिंग दुर्गा पूजा। तो इस तरह से हमने देखा चार सेंटेंसेस हमने बना दिए, जो कि अफर्मेटिव भी थे, असर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव थे और इंट्रोगेटिव के अंदर भी अफर्मेटिव नेगेटिव थे। तो बहुत सिंपल से रूल्स हैं, असर्टिव में एस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर चलेगा, इंट्रोगेटिव में पहले ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। तो ये कुछ बेसिक से प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है, और आइडियाज आपके पास बेशुमार हैं। आप टेलीविजन देख रहे हैं वहां से एक आइडिया निकाल लिया, आपके पास कोई भी आइडियाज की कमी नहीं है, बस आपको काम करना है, आपको स्मार्टली काम करना है, बहुत स्मार्टली काम करेंगे और बहुत ढेर सारे आइडियाज देकर के आ सकते हैं आप, और उनके ऊपर ढेर सारे सेंटेंसेस बना करके खूब ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगेन टाइम नहीं चाहिए आपको, आपके पास इतना सारा टाइम है, बिलीव मी, कि आप जब भी बैठे हो तो आप सोचिए, मेक योर माइंड वर्क, और वहां पर क्या करिए, सेंटेंसेस को बनाइए और अच्छी तरह से खूब प्रैक्टिस करिए।
ये ना सोचिए कि मैं रात में 3 घंटे पढ़ूंगा कॉपी पेन लेकर के तब मैं प्रैक्टिस करूंगा. नो, दैट इज नॉट द वे इट शुड बी. इस तरह से आपको काम नहीं करना चाहिए. आप बस बैठिए, सोचिए, देखिए, सेंटेंस बनाइए, कुछ इस तरह से आपको काम करना चाहिए. ठीक है, चलिए, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. अब एक और मैं एक टॉपिक लेता हूं, उसके ऊपर क्या करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, और उसके बाद मैं अपनी क्लास को वाइंड अप करूंगा. ठीक है, तो एक और आइडिया और एक और सेंटेंस. चलिए जल्दी से एक और सेंटेंस आते हैं, और ये सेंटेंस आ रहा है आपके सामने, यू आर वॉचिंग माई वीडियो. भाई आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, यू आ गया, यू के साथ ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर आर आ गया. यू वैसे प्लूरल के साथ आर आता है, लेकिन यू एक्सेप्शन होता है, यू के साथ भी आर ही आता है. यू आर वॉचिंग माई वीडियो, और निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, यू आर नॉट वॉचिंग माई वीडियो. ठीक है, आर के बाद हमने नॉट लगा दिया, और उसके बाद में इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या कर दिया, आर यू वॉचिंग माई वीडियो. हमने क्या किया, आर को हमने सब्जेक्ट से पहले रख दिया, और क्या करना है, अगर इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी बनाना है तो आर यू और सब्जेक्ट के बाद क्या रख देंगे, हम नॉट रख देंगे, नॉट वॉचिंग माई वीडियो. ठीक है, देखिए कितनी इजीली ये सेंटेंसेस जो है ये फॉर्म हो गए, और इतनी ही इजीली आप इसको बोल भी सकते हैं. ऐसा नहीं है कि बस लिखने की बात हो रही है, इतनी ही इजीली आप इसको बोल भी सकते हैं. ठीक है, चलिए कुछ अब आई से जुड़े हुए सेंटेंसेस मैं बनाने की कोशिश करता हूं. तो एक सेंटेंस मैं बनाता हूं आई से, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा. आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं. ठीक है, अब क्या हो गया, यहां पर पहले यू सब्जेक्ट था, अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि टीचिंग यहां पर क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब को करने वाला कौन है, मैं हूं, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट. ठीक है, और यू गए किसे पढ़ा रहा हूं, आपको, तो आप हो गए ऑब्जेक्ट. तो वही स्ट्रक्चर चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, और ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यहां पर क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, एम इस्तेमाल किया जा रहा है. ठीक है, आई एम टीचिंग यू. कभी भी कोई भी आइडिया कम्युनिकेट करना है तो पहला आपको जो काम करना है, जो आपको स्टेप लेना है अपने दिमाग में, जल्दी आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, और आपको ये इस बात को ऑब्जर्व करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या काम हो रहा है, कौन उस काम को करने वाला है, और उस काम का कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है. ठीक है जी, ये वर्ब डिसाइड करेगा कि वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी करता है या नहीं कैरी करता है. जैसे कि हम लोगों को डेफिनेशन बताई गई है कि ये पूछो कि क्या, किसको, तो जो उत्तर मिल जाए वो ऑब्जेक्ट होता है. कुछ हद तक सही होती है ये, बच्चों को समझाने के लिए बात तो सही होती है, लेकिन ओवरऑल जब आप वोकैबुलरी बिल्डअप करेंगे और वहां पे वर्ब को सीखेंगे एज ए वर्ड, तो उस समय आपको पता चलेगा कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है. चलिए जल्दी से इसका हम निगेटिव बनाते हैं, और इसका निगेटिव क्या हो गया, आई एम और ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगा देंगे. आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं. आगे देखते हैं एक और सेंटेंस, इंट्रोगेटिव बनाना हो तो एम को उठा करके पहले ले आएंगे. एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं. और उसके बाद अगर इसको भी मुझे निगेटिव बनाना है तो क्या करूंगा, एम आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव के अंदर, एम आई नॉट टीचिंग यू. ठीक है जी, तो देखा इतनी इजीली ये सेंटेंसेस बन गए. तो बहुत ढेर सारे सेंटेंसेस हम लोगों ने अभी बना लिए, और आप खूब ढेर सारी प्रैक्टिस भी करी. मैं अपनी क्लास को यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच, सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास.